Good morning everyone. Welcome to the YouTube live class of Unacademy. This live class is for class 11 biology and हम जो chapter start कर रहे हैं that is cell structure and organization, your 5th chapter of class 11th biology syllabus. तो हमने last class में आपके 4th chapter kingdom Animalia को किया था and kingdom Animalia का phylum Arthropoda तक हो चुका था. कुछ MCQ quiz भी start कर दिए थे. बाकी के classes को आप Unacademy पे एक्सेस कर सकते हैं. Unacademy ऐप में कुछ स्पेशल क्लासेस हैं. फ्री क्लासेस में उनको कवर कर दिया गया है. ठीक है, थ्योरी भी कुछ कवर हो चुकी है और एमसीक्यू कुछ भी कवर हो गया है. सो आप गो थ्रू कर सकते हैं. गो थ्रू करने के लिए आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज श्रुति पिल्ले. मैं आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी पढ़ाती हूँ. मैंने अपनी एमएससी बॉटनी में की है साइटोजेनेटिक्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. मुझे 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मेरा एक यूट्यूब चैनल है बाय विद श्रुति एंड मैं कुछ साल से वर्क कर रही हूँ एज अ बायो फैकल्टी एट महेश ट्यूटोरियल्स. यूट्यूब के लाइव क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, SP मैम लाइव. तो अगर आप इस प्रोफाइल से Unacademy ऐप पे जाएंगे तो काफ़ी सारी फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस दोनों आपको अवेलेबल होंगे. अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल एंड टोटीपोटेंसी, इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओपन पेज नंबर 44. बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ सेल? सो डैश इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ. आंसर है सेल. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और ये सेल आगे जाके ग्रुप में डिवाइड होते हैं और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यूज. ये टिश्यूज आगे जाके कुछ ऑर्गन में डिफ्रेंशिएट होते हैं. ये ऑर्गन बाद में कुछ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है लंग्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है ये. और ये ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को चलाते हैं. इसीलिए बोला है सेल कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है एंड बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करते हैं. इसलिए इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. किसके लिए कैपेबल है? इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डिपेंडेंसी के वो एग्जिस्ट कर सकता है. क्यों? बिकॉज सेल के अंदर वो सब कुछ प्रेजेंट है जो उसको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो इसके लिए काम करता है एंड दे कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ. अब हमको सेल अगर देखना है तो हमें कैसे दिखाई देगा? तो सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं. माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखने के लिए हमको क्या लगता है? माइक्रोस्कोप. सो अगर मुझे बड़ा सेल देखना है, लार्ज सेल देखना है, सो लार्जर सेल कैन बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप. बट टू सी स्मॉलर सेल वी रिक्वायर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? अगर मेरे पास एक लीफ है और उस लीफ बहुत छोटा है, चलो लीफ का जाने दो, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कार्पेल. ठीक है, कार्पेल आपने भिंडी देखी होगी. भिंडी में छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं, वो छोटे दाने को क्या बोलते हैं? ओव्यूल. भिंडी का ओव्यूल. अगर मुझे भिंडी का ओव्यूल देखना है, वो तो ऐसे भी विजिबल है, वैसे तो उसको बस थोड़ा बड़ा करके देखना है, तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे दिखता है? ऐसे. तो ये सिर्फ क्या करेगा, अंदर का आपको कुछ दिखाएगा नहीं, उस छोटी चीज़ को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएगा. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे अगर मुझे लीफ है, लीफ का सेक्शन लेकर उसके अंदर के सेल्स देखने हैं जो वैसे तो बाहर से दिखाई नहीं देंगे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा और एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये वो माइक्रोस्कोप है जो कॉमनली आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं. देन सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैपेसिटी कितनी है, कितने अमाउंट तक वो मैग्नीफाई कर सकता है? तो सिंपल 50 to 100 टाइम्स. तो जो आपको छोटा चीज है जो बड़ा करके देखना है बस उतना ही दिखाएगा, अंदर का कुछ नहीं दिखाएगा 50 to 100 टाइम्स। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर आप यूज करेंगे तो ये 1000 टाइप्स या उससे ज्यादा क्या कर सकता है, इसकी मैग्निफिकेशन होती है, मतलब 1000 और मोर टाइम उस इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। In the microscope we use in the laboratory a beam of light. A beam of light is used to make thing visible, hence it is called light microscope. Simple देख लिया हमने, compound देख लिया। Now there is one more microscope जिसे कहते हैं light microscope. अब ये generally colleges में common नहीं होता, ठीक है, कुछ colleges में जहाँ पे research activity वगैरह होती है वहाँ पे ये दिखता है। लाइट माइक्रोस्कोप जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि नाम में लाइट है, नीचे एक लाइट का सोर्स होता है, उस लाइट के सोर्स से लाइट रिलीज होता है, ऊपर आपका सैंपल होता है। जब ये लाइट आपके सैंपल पे पड़ेगा तो जो सैंपल है या सेल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे। सो टू सी द इंटीरियर ऑफ सेल वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो लाइट माइक्रोस्कोप भी हेल्प करता है, बट अगर आपको ऐसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखना है, ये सब आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप शो नहीं कर सकते। वो खाली ऊपर ऊपर का दिखाते हैं, एकदम बड़ा इंटरनल वर्जन नहीं दिखा सकते। फॉर दैट यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, आई शो यू द पिक्चर। ऐसे दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम में है इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन का जो बीम है ना उसको रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, ऊपर आप देख रहे हो, ये गन इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं, रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बीम आपके सैंपल पर पड़ता है, नीचे स्क्रीन होता है, इमेज विजिबल हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स मैग्नीफाई करता है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख टाइम्स। तो आपको इसकी माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आपको याद रखना है। कौन कौन से माइक्रोस्कोप हमने देखे, बिगिनिंग विद सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कौन से सेल को देखने में हेल्प करेगा, लार्जर सेल को देखने में। इसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी कितनी है, 50 to 100 टाइम्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको देखने में हेल्प करेगा, स्मॉलर सेल्स को। इसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी कितनी है, 1000 टाइम्स और मोर। और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, बीम ऑफ लाइट यूज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है। मैग्निफिकेशन कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख टाइम्स। अब हम बात करते हैं सेल के शेप्स के बारे में। हेलो प्रशांत। सो सेल का कोई टिपिकल शेप नहीं होता। सेल टिपिकल मतलब क्या है, स्पेसिफिक नहीं है। सेल स्पेरिकल हो सकता है, सेल रेक्टेंगुलर हो सकता है, फ्लैटेंड चपटा हो सकता है, पॉलीगोनल, पॉली का मतलब होता है मैनी, गोना का मतलब होता है एंगल, तो इस तरह से बहुत सारे एंगल का पॉलीगोनल हो सकता है, ओवल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, कोन लाइक कॉनिकल हो सकता है, कॉलम लाइक कॉलमनर भी हो सकता है। इन शॉर्ट इसका मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन सेल का शेप चेंज होता है। सेल साइज वेरी ग्रेटली इन वेरियस प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में इनकी अलग अलग साइज दिखती है। सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो आप अपने आईज से देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। एंड सम आर बेयरली विजिबल। बेयरली विजिबल मतलब मुश्किल से दिखते हैं, आपको माइक्रोस्कोप लगता है। वाइल सम आर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो ये तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिए कौन से साइज का सेल, कौन से सेल का साइज क्या है। तो स्मॉल सेल साइज कैन बी सीन इन माइकोप्लाज्मा। सेल, छोटे जो सेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, बोला जाता है माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मुश्किल से 0.3 माइक्रोमीटर का होता है लेंथ में। ओके, ऐसा दिखता है माइकोप्लाज्मा। जनरली माइकोप्लाज्मा को आप प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं। देन यू हैव बैक्टीरियल सेल साइज। बैक्टीरियल सेल साइज यानी बैक्टीरिया का साइज कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, कम से कम माइकोप्लाज्मा से थोड़ा बड़ा है। लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल, सबसे बड़ा साइज किसका है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा, ऑस्ट्रिच का जो ओवम होता है, एग, वो सबसे बड़ा होता है। इट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब हमको दिखाई देता है। लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स. लंबे सेल्स कौन से होते हैं? गुड मॉर्निंग सुदर्शन. लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं नर्व सेल्स. नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं. तो अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है, ऊपर सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सॉन होता है और टर्मिनल पार्ट में साइनेप्स. ये मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करी बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं है, बस याद रखना है लॉन्गेस्ट सेल को नर्व सेल बोलते हैं. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट सेल थियोरी वॉज प्रपोज बाय Schwann एंड Schleiden. सेल थियोरी को डैश ने प्रपोज किया था, SS ने, Schwann एंड S for Schleiden ने. However, in this theory there was no explanation about formation of new cell. उसके लिए आपको पहले समझना होगा सेल थियोरी क्या है. तो अकॉर्डिंग टू सेल थियोरी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है. स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से बना है. और भी बहुत सारी थियोरीज बाद में जाके इसी में ऐड हुई हैं. लेकिन नए सेल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में Schwann और Schleiden ने नहीं बताया. नए सेल्स यानी बेसिकली इन्होंने सेल डिविजन के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है. So it was Rudolf Virchow in the year 1855 who explained for the first time that new cells are formed by cell division from pre-existing cells. Rudolf Virchow ने 1855 में पहली बार एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं सेल डिविजन से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब ये अगर आपका पेरेंट सेल है जो डिप्लॉयड है, और अगर मैं सेल डिवीजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइटोसिस के बारे में अगर हम लिखें तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है? आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है ऐसे, बाद में जाके क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है. तो ये कैसा हो रहा है कि एक सेल से, प्री एग्जिस्टेंट सेल से नए सेल्स बन रहे हैं, इसको रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था. और इसी फिनोमिनन को हम उन्होंने एक नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब जो भी नए सेल्स आपके बन रहे हैं वो सेल डिवीजन से बन रहे हैं. किसका सेल डिवीजन हो रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल का हो रहा है. तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला को किसने प्रपोज किया? रुडोल्फ वर्काउ ने. कब? 1855 में. सेल थियोरी को किसने प्रपोज किया? SS ने, Schwann एंड Schleiden ने. Now in later years advanced research in cytology led to modification in cell theory which is now known as modern cell theory. पहले तो cytology क्या होता है? तो ये एक branch of science होता है जहाँ पे आप cell को पढ़ते हैं. Logy की मतलब होती है study and cyto मतलब cell, study of cell. तो जैसे जैसे scientist cell के बारे में पढ़ते गए, उनके modification के बारे में पढ़ते गए, मतलब उनके बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे सेल थियोरी मॉडिफाई हो गई. मॉडिफाई हो गई मतलब जो Schwann और Schleiden ने स्टार्ट किया था उसमें और स्टेटमेंट्स ऐड होते चले गए. इसी को हम कहते हैं मॉडर्न सेल थियोरी. तो अभी हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर एक छोटा सा क्विज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करते करते इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, Dash is called a structural and functional unit of life of all living organisms capable of independent existence and can perform all function of life. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेल. तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है और बॉडी में अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं. एंड इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इसके पास सब कुछ है सर्वाइव करने के लिए, वो किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहा. हेंस इट कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ. ओके, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है आपका सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Larger cells can be seen through simple microscope, but to see smaller cell we require dash. Sorry. इसमें सभी स्टेटमेंट को कवर किया है. आगे पूरा जो क्विज है ना, आप इसको टेक्स्ट बुक को रिलेट करेंगे तो जो पॉसिबल स्टेटमेंट है सारे डाले हैं, इसलिए मैंने वापस से रिपीट नहीं किया थ्योरी को. इसी में आपकी रिवीजन हो जाएगी. तो बड़े बड़े सेल्स को हम सिंपल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन छोटे सेल्स को अगर आपको देखना है तो यू नीड अ माइक्रोस्कोप. लेकिन कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, बेसिक लेवल पे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज डैश टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 50 to 100 टाइम्स। सिंपल है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इतना समझ लेना, सबसे कम मैग्निफिकेशन आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है 50 to 100 टाइम्स। नेक्स्ट, इन द माइक्रोस्कोप वी यूज इन द लेबोरेटरी अ बीम ऑफ लाइट इज यूज टू मेक थिंग विजिबल, हेंस इट इज कॉल्ड डैश। एक बीम ऑफ लाइट यूज होता है उस माइक्रोस्कोप में। अगर इसकी थ्योरी आपने पढ़ी भी नहीं है सपोज, लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे, बीम ऑफ लाइट यूज होता है इस माइक्रोस्कोप में, आंसर है लाइट माइक्रोस्कोप। नाम में मीनिंग है। यहाँ पे इस ऑप्शन का मुझे डिस्कस करना था। अगर आपसे पूछा कि किसी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1000 टाइम्स या उससे ज्यादा है, तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, 50 to 100 है तो सिंपल हो गया, बाकी रैंडम है ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज डैश टाइम्स। याद रखना, सिंपल, कंपाउंड, लाइट, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 लाख टाइम्स। ठीक है, 50 to 100 सिंपल होता है, 1000 या मोर कंपाउंड होता है, 5 लाख टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स में बी डैश इन शेप। इजी ये वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सेल का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, वो स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, फ्लैटन एक्सेट्रा शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन डैश। सबसे छोटा इनमें से किसका सेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज सीन इन डैश। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑस्ट्रिच एग, बिकॉज इनका साइज कितना है? नियरली 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब हम भी देख सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा का मैंने बताया था 0.3 माइक्रोमीटर। देन द साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा इज डैश इन लेंथ। लेंथ पूछा आप लोग से, मतलब उसका साइज पूछा है। क्या आना चाहिए इसका साइज? अभी थोड़े टाइम पहले बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज 0.3 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल होता है आपके माइकोप्लाज्मा का पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरियल सेल साइज इज डैश। बैक्टीरिया का सेल साइज कितना है? इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 3 to 5 माइक्रोमीटर। 0.3 सी, इसमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.3 माइक्रोमीटर। हमने बोला था ऑलरेडी स्मॉलेस्ट आपका माइकोप्लाज्मा है, तो ये तो नहीं हो सकता। सबसे लार्जेस्ट क्या है, ऑस्ट्रिच एग, तो ये गया ऑस्ट्रिच एग भी 15 सेंटीमीटर। बचा बैक्टीरियल सेल, ये तो ऐसे ही दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, मीटर नहीं होता, मीटर तो बहुत बड़ा हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द साइज ऑफ द ऑस्ट्रिच एग सेल इज डैश। अभी डिस्कस किया था ऑस्ट्रिच के अंडे का साइज क्या होता है, so इसका करेक्ट आंसर है 15 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ओके फाइनली बाकी के ऑप्शंस को मैं कंक्लूड कर दूं। स्मॉलेस्ट होता है आपका माइकोप्लाज्मा जो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, फिर आता है बैक्टीरियल सेल जो 3 टू 5 माइक्रोमीटर का होता है, फिर आता है ऑस्ट्रिच का जो 15 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्गेस्ट सेल्स आर डैश। इनमें से लंबा कौन सा है सेल के साइज के हिसाब से या लेंथ के हिसाब से, क्या आएगा आंसर इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नर्व सेल्स। नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नो दिस इज द 13th क्वेश्चन। यू ऑलरेडी नो दैट सेल थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय डैश। आई एम सॉरी, ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत दे दिए, कोई बात नहीं। सेल थियरी को दो लोगों ने प्रपोज किया था, एसएस, ठीक है, स्क्लेडन एंड स्क्वान ने। जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन। डैश एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने बताया कि सेल डिवीजन से नए सेल्स बन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रूडोल्फ वर्काउ। तो ये हो गया आपका 13th क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे पूछा कि सेल थ्योरी को किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, दैट इज एसएस, स्क्वान एंड स्क्लेडन। और अगर आपसे पूछा कि सेल बन कैसे रहे, सेल डिवीजन से बन रहे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने बताया, रूडोल्फ वर्काउ ने। तो रूडोल्फ वर्काउ ने इसको एक अलग सा टर्म दिया था जिसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब नए सेल्स सेल डिवीजन से आते हैं। किसका सेल डिवीजन से? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के सेल डिवीजन से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का जब सेल डिवीजन होता है तब न्यू सेल्स बनते हैं। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। किसने बताया? रूडोल्फ वर्काउ ने। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज को ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिप्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। All living cells are made up of cells, ये सेल थ्योरी का ही हिस्सा है। और सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सेल थ्योरी में है। टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये तीनों स्टेटमेंट आप मॉडर्न सेल थियोरी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं जो आप स्टडी करेंगे बाद में। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर कि लिविंग सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो जितने टॉपिक्स हमने कवर किए थे उसका यहाँ पे क्विज हो चुका है। नाउ वील बिगिन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज टोटीपोटेंसी। ओपन पेज नंबर 45। समझ लेते हैं पहले व्हाट इज टोटीपोटेंसी। टोटी का मतलब होता है टोटल एंड पोटेंसी इज पोटेंशियल। किसी सेल की डिवाइड होने की एबिलिटी को या पोटेंशियल को टोटीपोटेंसी कहते हैं। सो इट इज अ कैपेसिटी और द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल एंड देयरबाय कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। कैपेसिटी और द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल। लिविंग का मतलब क्या होता है? आप किसी सेल को लिविंग तब कहते हैं जब उनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है? प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये है सेल का न्यूक्लियस, ये है सेल का साइटोप्लाज्म, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, और बाहर आपका जो मेम्ब्रेन होता है कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों मिला के प्रोटोप्लास्ट बनता है। तो आप किसी सेल को तब लिविंग बोलते हैं जब ये लिविंग सब्सटेंस उस सेल में प्रेजेंट हो। तो लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल लिविंग है जिसके पास न्यूक्लियस है टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब क्या? ये आगे जाके इस तरह से डिविजन शो करेंगे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और डिवीजन शो करके ऐसे अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे या ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टेम सेल करके आपके बुक में एग्जांपल दिया है जो आप आगे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे न्यूरॉन बना रहा है, आरबीसी बना रहा है, मसल सेल बना रहा है। तो एक सेल जिसका शुरू में जिसको कोई फंक्शन नहीं दिया जाता वो डिवाइड होकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन में डिफ्रेंशिएट होता है और एक फंक्शन ले लेता है। उसी को कहते हैं, उसकी इस एबिलिटी को या कैपेसिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। अ सेल इज टोटीपोटेंट बिकॉज इट हैज द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है? अभी हमारी बॉडी है, आपने CID देखा होगा। तो CID में क्या होता है? कभी बाल का सैंपल मिलता है, खून का सैंपल मिलता है, और उस सैंपल के सेल्स में से हम खूनी का पता लगा सकते हैं, करेक्ट? क्यों? बिकॉज बॉडी का कोई भी पार्ट, आपके बॉडी का किसी भी हिस्से में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA है। तो सेल चाहे किसी भी एरिया का हो पर इंफॉर्मेशन सभी में प्रेजेंट होगा, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो सेल इसीलिए टोटीपोटेंट है बिकॉज सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर DNA है, और DNA को हम कहते हैं जीनेटिक मटीरियल, जिसके पास सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या क्या प्रोटीन कब कब चाहिए वो सब DNA के पास प्रेजेंट है। तो अगर ये एक सेल है मेरे पास और अगर हम चाहते हैं कि चलो इससे हम मुझे लीवर बनाना है, तो ये स्टेम सेल क्या करेगा? उसके पास लीवर बनाने का इंफॉर्मेशन DNA में प्रेजेंट होगा जिससे वो लीवर को बनाएगा। सो एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट एंड आर टर्म्ड एज स्टेम सेल्स। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया टोटीपोटेंसी का। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल मतलब एनिमल सेल में जो एम्ब्रियो होता है ना शुरू में, तो एम्ब्रियो में जब आप आगे क्लास 12th में पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो में ना इनर सेल मास करके कुछ होता है ऐसा, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बाहर एक लेयर होता है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और अंदर एक इनर सेल मास होता है। यही ना आपकी एम्ब्रियो को डेवलप करेगा। तो ये जो इनर सेल मास है ना ये टोटीपोटेंट है। इनर सेल मास क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है। टोटीपोटेंट मतलब ये डिवाइड होके रीडिवाइड होके क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो के पूरे बॉडी लेयर को बनाते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर, और अलग अलग सिस्टम को बनाते हैं। इसलिए बोला एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं। टोटल पोटेंशियल होता है डिवाइड होके ऑर्गन बनाने की, ऑर्गेनिज्म को बनाने की, इसलिए इन्हें स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्योर फॉर डिजीज। मतलब अभी अगर आपको ट्रांसप्लांटेशन करना है लीवर का या किसी ऑर्गन का, ब्लड सेल्स का, तब भी आप स्टेम सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेम सेल का एक बैंक भी होता है जहाँ पे स्टेम सेल्स को डोनेट किया जाता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वुमेन के बॉडी में, ठीक है, वुमेन और बच्चे को कनेक्ट करके रखने के लिए एक ट्यूब प्रेजेंट होता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं कि मम्मी का खाना बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको कहते हैं स्टेम सेल्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद इस कॉर्ड को प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं, मतलब कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। बचाने से क्या होगा, आगे जाके जब उस बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी या कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो इस स्टेम सेल को यूज किया जा सकता है नए ऑर्गन बनाने के लिए। अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथाइस श्लेइडेन in 1838 examined number of plant and concluded that various tissue of plant are composed of different type of cell। botanist किसे कहते हैं, जो बॉटनी यानी झाड़ की स्टडी करता है, प्लांट्स की स्टडी करता है। तो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथायस श्लेइडेन, 1838 में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और ये कंक्लूड किया कि जो प्लांट में जो भी टिश्यूज होते हैं ना, उनके थोड़े अलग होते हैं सेल्स। और ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी। Now at that time a British zoologist Theodore Schwann in the year 1839 proposed that cells are bound by thin membrane। तो एक British zoologist थे, zoologist, लॉजी का मतलब स्टडी, zoo यानी एनिमल, तो जो zoology या एनिमल की स्टडी करता है उसे कहते हैं zoologist। नाम है Theodore Schwann। So Theodore Schwann ने 1839 में प्रपोज किया, एनिमल में जो सेल प्रेजेंट, सॉरी प्लांट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट या एनिमल दोनों में, दे आर बाउंड बाय थिन मेम्ब्रेन, मतलब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों के बाहर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन यानी कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ में थियोडोर श्वान ने एक और चीज बताया। He also explained about existence of cell wall as a unique character of plant cell। उन्होंने बोला कि प्लांट में एक चीज है वैसे जो एनिमल में नहीं दिखता, भले दोनों का लिविंग सब्सटेंस सेम है, लिविंग सब्सटेंस यानी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेम है, लेकिन प्लांट सेल में। गुड मॉर्निंग नीरज, आई एम गुड, होप यू आर गुड टू। सो सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक और वॉल होता है और इस वॉल को हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। ये आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज दैट एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये प्रपोज किया कि एनिमल और प्लांट दोनों में सेल प्रेजेंट है और हम सेल के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना मैंने पढ़ा उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। पहले तो टोटी पोटेंसी क्या होती है, टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी यानी पोटेंशियल। डैश इज द कैपेसिटी और द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल एंड देयर बाय कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। डैश एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोटेंशियल है जहाँ पे वो डिवीजन करके अलग अलग सेल के टाइप बनाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, तो इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं टोटी पोटेंसी। अब टोटी पोटेंसी की आपके बुक में एग्जांपल दिया है डैश, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमको कहाँ पे मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स में, यानी एनिमल सेल का जो एम्ब्रियो होता है, बेबी फॉर्मेशन, ठीक है, बच्चा, वो कैसे होता है, टोटी पोटेंट होते हैं। देन कुछ डिस्कवरीज हुई थी, कैसे डिस्कवरी हुई थी, अ जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम है मैथायस श्लेइडेन, इन्होंने कब, 1838 में क्या बताया कि प्लांट में अलग अलग टिश्यूज होते हैं, प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बना है। देन अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट का नाम था थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या बताया 1839 में, जस्ट मथायस स्लेडन के बाद ही 39 में बोला कि सभी सेल्स के पास, प्लांट हो या एनिमल, सभी के बाहर क्या होता है पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि एनिमल प्लांट में एक डिफरेंस है, प्लांट के बाहर सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। ये चीज किसने बताया था? थियोडोर स्वान ने बताया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। देन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, किसका ऑब्जर्वेशन? थियोडोर स्वान के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एनिमल और प्लांट अलग अलग सेल से बने हैं, या वी आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जो सेल्स बनते हैं उनसे ऑर्गेनिज्म बनता है। अब शुरू में सेल थियोरी बहुत ही सिंपल थी और हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सेल थियोरी क्या कहती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिक सिंपल सेल से बना है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यही था सेल थियोरी कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इसे बताया गया था स्लेडन एंड स्वान के थ्रू। बट जैसे जैसे रुडोल्फ वर्काव और बाकी के साइंटिस्ट ने जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ा दी, सेल थियोरी के स्टेटमेंट्स भी बढ़ गए या पॉस्टुलेट्स बढ़ गए। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता अजम्पशन या सजेशन। तो जो भी साइंटिस्ट के अजम्पशंस थे, सजेशंस थे या पॉस्टुलेट थे, उसको इस मॉडर्न सेल थियोरी में ऐड किया गया। तो आपके बुक में 6 मॉडर्न सेल थियोरी दी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सेल थियोरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। करेक्ट। लिविंग सेल्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं? ये सेल डिविजन से अराइज हो रहे हैं, फ्रॉम डैश प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आगे जाके जब सेल डिवीजन होता है तब नए सेल्स बनते हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल है, बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दे रहा है। टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पूरे सेल की एक्टिविटी, जब सभी सेल्स अपना अपना फंक्शन करते हैं तब जाके हमारी एक्टिविटी हो रही है, फिर चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, एटसेट्रा। सेल्स शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो प्लांट सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में। तो प्लांट सेल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ एनर्जी। सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल में कुछ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। कौन कौन से? न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़ा चेन होता है। फॉर एग्जाम्पल DNA एंड RNA। DNA का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? दोनों ही सेल के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में इनकी प्रेजेंस होती है। DNA तो प्राइमरीली आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। RNA क्या है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चेंज हो सकता है। ये चीज यहाँ पे याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है। DNA सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा, ये बाहर नहीं जा सकता कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन RNA ऐसा नहीं, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जगह शिफ्ट कर सकता है। तो ये हम लोग ने आज सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया। बिफोर वी कंटिन्यू, मुझे आपको कुछ डिटेल्स देने थे क्लासेस के, कि जस्ट अ मिनट। आप अगर अनअकैडमी में जाएंगे, अनअकैडमी ऐप पे, और मेरा क्लासेस ब्राउज करेंगे, क्लास 11 या क्लास 12 की कैटेगरी पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिलेंगे। सो फ्री में भी हैं प्लस में भी हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं SP महा। हेलो दर्शन, फर्स्ट फ्री क्लासेस भी इसी से अनलॉक होंगे और अगर आप प्लस में जुड़ना चाह रहे हैं तब भी आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप सिर्फ क्लास 11 के लिए भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्लास 12 की सब्सक्रिप्शन फ्री है। एक ही सब्सक्रिप्शन अमाउंट में आप विद इन HSC कैटेगरी कोई भी प्लस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एडुकेटर के साथ। तो और अगर आपको प्लस में नहीं जुड़ना है तो आप फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर की थ्योरी पूरी खत्म कर दी है एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सेवेंथ चैप्टर का MCQ क्विज, पूरे टेक्स्ट बुक का क्विज सॉल्व किया है वहाँ पे। साथ ही एक फुल सिलेबस क्लास आने वाला है 21 सितंबर से, जहाँ पे आपके जो पूरे सिलेबस हैं क्लास 11th का उसको 31 दिसंबर तक खत्म करा दिया जाएगा। एंड जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, बैक क्वेश्चंस और MCQ क्विजेस को कवर करने के लिए एक और प्लस क्लास है, प्रैक्टिस कोर्स फॉर बायोलॉजी। तो ये सब आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगा, वहीं पे टाइटल है प्रैक्टिस कोर्स फॉर बायोलॉजी एंड कंप्लीट कोर्स फॉर बायोलॉजी। सो आप 11th में हैं या CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। क्लास के टाइमिंग्स हैं प्लस क्लास के ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन होंगे 6:30 to 7:30 एंड स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग्स होंगे 9 PM को। ठीक है, फ्री क्लासेस 9 PM को होते हैं फॉर क्लास 11th, प्लस क्लास होते हैं ये टाइम पर। स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक से, काइंड्स ऑफ सेल। तो यहां से इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 45 में 5.2, 5.1 को हमने पूरा कवर कर दिया, 5.2 काइंड्स ऑफ सेल से स्टार्ट करें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 मेन कैटेगरी। कौन से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट। ये आप लोग ने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर सिस्टमैटिक्स में पढ़ा है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। जो शुरू में जो न्यूक्लियस बनता है ना उसको कहते हैं प्रोकैरियोट। मतलब इन सेल्स में, इन ऑर्गेनिज्म में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, प्रिमिटिव होता है इनका न्यूक्लियस। मतलब इनके न्यूक्लियस में, जनरली न्यूक्लियस में आपको क्या मिल रहा है, बाहर एक कवरिंग मिलती है और इस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। करेक्ट, अंदर एक न्यूक्लियोलस रहता है और इसके साथ साथ बाहर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये सब आपको प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा और बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ये भी नहीं रहेगा। और जब हम यूकैरियोट बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं, जिस ऑर्गेनेल के बाहर ऐसे 2-2 मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट हैव अ सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्लास का जो शेड्यूल है जनरली सैटरडे संडे होगा भूगोल, बट अगर इसके अलावा कोई टाइमिंग है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास जिस दिन क्लास होता है उसके एक दिन पहले ही रिमाइंडर रहता है, तो आप एक बार रिमाइंडर नोटिफिकेशन क्लिक करके रख सकते हैं या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। The prokaryotes have simple cellular organization while eukaryotes have high degree of organization. अभी जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है और इनका सेल भी कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। यूकैरियोट का ऐसा नहीं है, उनके पास अच्छा खासा न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो दे एग्जिबिट मीन्स दे शो हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। Beginning with prokaryotic cells, the cell in prokaryote show following main feature. Feature मतलब characteristics. कौन कौन से characteristics दिखता है? इट हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवेलप. तो इनके पास एक सेल एनवेलप है. सेल एनवेलप मतलब क्या होता है? कवरिंग, सेल की कवरिंग. लेकिन ये सेल एनवेलप कैसा है? ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है केमिकली और फंक्शन है प्रोटेक्टिव. हाउएवर इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. कितना भी अच्छा सेल एनवेलप हो, सेल एनवेलप मतलब ये लोग सेल वॉल की बात कर रहे हैं सिंपल टर्म्स में, कितना भी अच्छा सेल वॉल हो लेकिन इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ऐसा होता है, बाहर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और प्रोकैरियोट का ऐसा होता है टूटा हुआ, जिसके वजह से हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, इनको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. प्रोकैरियोट में क्या कहते हैं? देयर इज नो वर्ड वी यूज न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट, उनको न्यूक्लियोइड कहा जाता है बिकॉज न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. यस, प्रोकैरियोट का मतलब बताया था भूवल की, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? इनके न्यूक्लियस के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, ये ऐसे नेकेड पड़ा रहता है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कवरिंग नहीं है. प्लस जनरली साइटोप्लाज्म के बाहर कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो सेल का फंक्शन करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखेंगे तो ऐसा डबल मेम्ब्रेन होता है, ये अंदर इनर मेम्ब्रेन होता है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन होता है. तो ऐसे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. तो क्योंकि इनके पास ऑर्गेनल नहीं है अच्छा खासा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो सेल का फंक्शन करे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, और ये होते भी बहुत छोटे सिंपल हैं, इनको प्रोकैरियोट कहा जाता है. ये ऐसे क्यों हैं? बिकॉज जब लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ तो शुरू में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बने थे दोज वर प्रोकैरियोट्स. बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा ये जो सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है वो और कॉम्प्लेक्स होते गए, तो उनके स्ट्रक्चर में और मॉडिफिकेशंस आते गए. तो यहाँ पे दिया है कि प्रोकैरियोट के पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब इनमें न्यूक्लियोइड होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, जिसमें कवरिंग है वो ऑर्गेनल भी प्रेजेंट नहीं है. ऑर्गेनल मतलब जो सेल का फंक्शन करे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है, वो सब इसमें एब्सेंट है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल एनवेलप यानी सेल वॉल बैक्टीरिया का, इट इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. प्रोकैरियोट्स में ना एक ही किंगडम आता है, ये हमने 2nd चैप्टर सिस्टमैटिक्स में पढ़ा था. कौन सा किंगडम आता है? किंगडम मोनेरा. तो अगर मेजरली मैं बोलूँ ये पूरा जो बिरादरी है ये बैक्टीरिया का खानदान है, ठीक है, एक्सेप्ट सम, मोस्टली इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है. तो सेल एनवेलप इज अ 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर होता है, जिसमें आउटर बाहर की तरफ आपको ग्लाइकोकैलिक्स करके मिलेगा. ग्लाइकोकैलिक्स बीच में एक लेयर होता है जिसे कहते हैं मिडल सेल वॉल. ये है मिडल सेल वॉल. एंड अंदर के तरफ आपका प्रेजेंट है इनर सेल मेम्ब्रेन. तो बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, बीच का सेल वॉल और अंदर का सेल मेम्ब्रेन मिलके एक कवरिंग बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल एनवेलप. Now, how is glycocalyx present? तो glycocalyx organism में कैसे होते हैं? Either slime layer. Slime मतलब ये शीट या तो बहुत ही लूज होगा, शीट का मतलब होता है कवरिंग, लूज कवरिंग होगी, या कैप्सूल बहुत ही ज्यादा टफ होगा. आप यूं समझ लो ग्लाइको मतलब शुगर, शुगर का बना होगा ये, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स. या तो बहुत ही स्लाइम होगा, लूज होगा, या तो एकदम टफ कैप्सूल होगा, कैप्सूल यानी कवरिंग. सो बैक्टीरिया आर बेटर ऑब्जर्व व्हेन स्टेन. अगर मुझे बैक्टीरिया को देखना है तो वो अच्छे से कब ज़्यादा दिखाई देगा? जब आप स्टेन यूज़ करेंगे. तो जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जब सेक्शन वगैरह लेते हैं तो हम कुछ स्टेन की मदद से उस सैंपल को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो इस केस में अगर आपको बैक्टीरियल सेल को देखना है तो मोस्ट फॉलोड स्टेनिंग मेथड क्या है? ग्राम स्टेनिंग। इसको बोला गया ग्राम स्टेनिंग बिकॉज इसे एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ग्राम। व्हाट यू मीन बाय बैक्टीरियोलॉजिस्ट? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जो साइंटिस्ट या जो भी रिसर्चर बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग को डिस्कवर किया जहाँ पे जब आप इस स्टेन को यूज करते हैं ना तो एक कलर शो करता है। ये क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेन का मतलब है दाग, ठीक है? कलर, स्टेन इज कलर। यहाँ पे स्टेनिंग मीन्स कलरिंग। सो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा जैसे सैफरन यूज किया जाता है। स्टार्च का पता लगाना है तो स्टार्च में आयोडीन यूज करते हैं। चावल का पानी है, चावल में आयोडीन यूज किया तो ब्लू कलर शो होगा जिससे पता चलता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। वैसा कलर से आप डिटेक्ट करते हो। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड म्यूरीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो टाइप की बैक्टीरिया होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अगर कोई बैक्टीरिया स्टेन को शो कर रहा है उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। और अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को शो नहीं कर रहा है तो रिजल्ट है नेगेटिव। कौन से बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को शो करेंगे? जिसके सेल वॉल के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? पेप्टिडोग्लाइकन होगा। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? ग्लाइकन मतलब शुगर, पेप्टाइड यानी प्रोटीन। तो एक प्रोटीन शुगर का कॉम्प्लेक्स होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी एक केमिकल प्रेजेंट है जिसे म्यूरीन करके कहते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर, एक सेकेंड। हमने अभी जो पढ़ा ना उसका पिक्चर देख लेते हैं। हमने बोला था बैक्टीरिया का सेल एनवलप 3 लेयर से बना है। बाहर आपका कैप्सूल है, ये देखो, दिस इज द कैप्सूल जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये क्या है आपका? कैप्सूल या स्लाइम लेयर। ये स्लाइम भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। अगर टफ होगा तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर लूज है तो उसको स्लाइम बोलेंगे। देन इसके अंदर हमने बोला था बीच में देखो सेल वॉल है, तो ये पहला लेयर है सबसे बाहर। सेंटर पे देखो आपको सेल वॉल दिख रहा है और उसके अंदर ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ना, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको दिख रहा होगा कैसे अंदर का जो न्यूक्लियड है, ये है न्यूक्लियड। न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, न्यूक्लियड होता है जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है बैक्टीरिया का। उसके बाहर ये जो वॉल है या एनवलप है वो कवर कर रहा है ऐसे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज 2। बैक्टीरिया को 2 में डाला जा रहा है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्यों बोला गया पॉजिटिव? इनके सेल वॉल में ना एक थिक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। ये देखो, ये है इनका सेल वॉल। इसके ऊपर आपको एक मोटी सी प्रोटीन शुगर की लेयर दिख रही है। और ग्राम पॉजिटिव सेल्स, जब आप इस पे ग्राम स्टेन डालेंगे तो इससे वो जो सैंपल है ना थोड़ा सा पर्पल दिखाई देगा, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है। क्यों स्टेन दिखाई देगा? पेप्टिडोग्लाइकन उस स्टेन को ले लेगा। आप स्टेन तब देख पाएंगे जब वो रीजन को वो जो रीजन है वो स्टेन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्टेन को एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए आपको पर्पल दिखाई देता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसा है ना, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन है, ऐसा नहीं है नहीं बोल सकते। सभी बैक्टीरियल सेल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, कॉमन कैरेक्टर है वो। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बहुत पतला लेयर होता है, मतलब इधर। तो आप देख सकते हैं बीच में होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन और इसको बाहर से कवर किया गया है आपके दूसरे लेयर से। तो नीचे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही लेयर है। तो बीच में होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन और इसके बाहर आपको 2 और लेयर मिलते हैं। इससे क्या होगा, जब स्टेन आएगा ना तो ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये उस स्टेन को लेगा नहीं, अलाउ नहीं करेगा, जिसके वजह से पेप्टिडोग्लाइकन तक स्टेन पहुंचेगा नहीं और आपको उस सैंपल पे कलर नहीं दिखेगा। ओके तो ये बहुत इतना खाली आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया गया है। आपको खाली इतना फैक्ट बेस याद रखना है कि जो पेप्टिडो जो ग्राम स्टेन शो करेगा वो है ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेन नहीं शो करेगा दैट इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या है जिससे वो ग्राम स्टेन शो कर रहा है? पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है? पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, मतलब है लेकिन वो इतना नहीं, ऊपर नहीं है, बीच में सैंडविच्ड है, वो बीच में प्रेजेंट है, उसकी जगह म्यूरिन प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, नाउ थोड़े से टाइम बाकी है तो इतने कम टाइम पे हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे जितना हमने किया था प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद बाकी का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है, आज हमने कितना देखा, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में। 5th चैप्टर को आज हमने स्टार्ट किया था, पेज नंबर 44, 5.1 कवर हो गया है, सेल एंड टोटीपोटेंसी, और इसका MCQ क्विज ले लिया है। उसके बाद पेज नंबर 45, 5.2 को स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ख़त्म करने से पहले आप लोग को एक फाइनल रिमाइंडर है कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग लेक्चर अगर आप अनअकैडमी पे देखेंगे तो कमेंट के ऊपर मैंने एक टेलीग्राम का लिंक पिन करके रखा है, अगर आप क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो वहीं पे आपको क्लास के शेड्यूल्स वगैरह मिलेंगे अनअकैडमी से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फ्यू सेकेंड्स आर लेफ्ट। In case if there is no query, I'll wind up. हो चुका है भूगोल बायोलॉजी का 2nd चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, अगर आप थोड़ा एफर्ट लेके प्रोफाइल पे जाएंगे वहीं पे सब कुछ मिलेगा, चैप्टर के नेम के साथ साथ कौन सा लेक्चर है, कौन सा पार्ट है, MCQ क्विज है कि नहीं, सब कुछ टाइटल पे मेंशन किया रहता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देन आपका सेल डिवीजन, इतने चैप्टर का MCQ क्विज कवर हो चुका है और फर्स्ट 3 चैप्टर की थ्योरी भी हो चुकी है। अभी 8th चैप्टर चल रहा है आपका अनअकैडमी पे। हेलो निमिष, थैंक यू। सो प्लीज आप एक बार प्रोफाइल पे चेक करिए ताकि आपको क्लास का आइडिया मिले। और एक और चीज है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जब आप क्लास देखते हैं ना, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिलता है। बहुत लोग मुझसे PDF का पूछते हैं, जब रिकॉर्डिंग हो जाता है ना वहीं पे PDF का डाउनलोड करने वाला ऑप्शन रहता है, अगर आप विथ एनोटेशंस पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो PDF मार्किंग के साथ मिलेगी, और अगर आप विदाउट एनोटेशंस करके डाउनलोड करेंगे तो बिना मार्किंग के PDF मिलेगी। तो आप उस PDF को गो थ्रू कर सकते हैं रिवीजन के लिए। सो टाइमिंग्स होते हैं भूगोल 9 PM को, क्लास 11 का 9 PM को होता है एंड 5 PM को क्लास 12 का होता है। इसके भी लिंक्स आपको प्रोफाइल में दिखते हैं, जब भी शेड्यूल होता है प्रोफाइल पे दिखेगा, आप एनरोल कर सकते हैं या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी मेरा क्लास आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो नेक्स्ट मोस्टली या तो सैटरडे होगा या संडे होगा या कभी बीच पे होगा, तो आपको प्रोफाइल पे अनअकैडमी पे मिल जाएगा, यूट्यूब पर रिमाइंडर आएगा तो आप ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।